हम बात कर सकते हैं इसमें, हमने पिछले वीडियो में बात किया था विंड इरोजन के बारे में, डिटेल से डिस्कस किया था क्योंकि वो यूनिट वन में था। अब उसका विंड इरोजन खत्म हो चुका है, अब हम इस यूनिट में बात करेंगे मेजर रूप से वाटर इरोजन के रूप में। वाटर इरोजन क्या होता है साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जैसे सॉइल इरोजन था, सॉइल इरोड हो रही थी, अब यहाँ पे वाटर में क्या चीज होगा? तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वाटर क्या है, सिर्फ एक एजेंट है किसका, सॉइल इरोड करने के लिए। तो यहाँ पे साथियों ध्यान कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वाटर एक एजेंट है किसका, सॉइल इरोजन का, तो ये ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जब हमारा सॉइल इरोजन वाटर एजेंट के द्वारा होता है तो हम क्या करते हैं, वाटर इरोजन बोलते हैं इसको, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी बोला जा सकता है कि डिफाइन द सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर। तो वही सारी चीज़ें, यही आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप जानते ही हैं कि जब वाटर क्या करता है, वाटर इरोजन क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द लैंड वाटर फ्रॉम द इरीगेशन, रेनफॉल, स्नो मेल्ट, रन ऑफ एंड पुअर इरीगेशन मैनेजमेंट। मतलब साथियों मेन रूप से हमारा जो सॉइल इरोड होगा वो वाटर के रूप में होगा। वो क्या वाटर किस किस फॉर्म हो सकता है वो ध्यान दीजिएगा, इरीगेशन के रूप में जो हो सकता है, जो हम सिंचाई करते हैं, रेनफॉल हो सकता है बारिश के दौरान, स्नो मेल्ट हो रही है, या फिर रन ऑफ है, या फिर पुअर इरीगेशन मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाटर इरोड, वाटर इरोजन का एक मीडियम है रेन वाटर। और इससे होता है क्या साथियों, हमारा जो टॉप लेयर है सॉयल का, फिर लैंड का जो टॉप लेयर हो क्या होता है, इरोड हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, वाटर इरोजन, सॉयल इरोजन ड्यू टू वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर इसमें क्या हम मान सकते हैं, जो मेन रीजन है वो हमारा क्या है, रेन वाटर है, जो बारिश का होता है। ये अधिकतर हमारा अधिकतर समय हमको जो अधिक मात्रा में हमको वाटर सॉयल इरोजन मिलता है वो रेनफॉल के टाइम में हमको मिलता है, जब बारिश होती है हमारी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बोला गया इनफैक्ट द रनिंग वाटर इज द मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर ऑफ द सॉइल इरोजन। क्या वाटर ही हमारा रनिंग वाटर, साथ ध्यान दीजिएगा, वाटर नहीं रनिंग वाटर, जो जिसमें कुछ ना कुछ विलास्टी हो, विलास्टी का उसमें कनेटिक एनर्जी भी होगी। तो दिस इंक्लूड द रिवर्स विच इरोड द रिवर बेसिन। रिवर क्या करता है, जो बेसिन जो नदी के तल है उस पर, उसको क्या करता है, इरोड करता है। रेन वाटर क्या करता है, वो लैंडफॉर्म के रूप में सॉइल को इरोड करता है। सीवियस क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज को इरोड करती हैं। तो यहाँ पे अधिकतर हम बात करें तो यहाँ पे, और जो वाटर इरोड्स होते हैं ट्रांसमोट द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एंड डिपॉजिट देम द लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज। मतलब क्या करता है, जो वाटर होता है वो सॉइल को जो हाई, जहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है वहाँ से इरोड करके यहाँ पे नीचे ला करके यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसका जो एल्टीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा, जहाँ की जो सॉइल पार्टिकल के जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो नीचे एक तरफ आ जाएंगे, वहाँ की जो लैंड है, जो जहाँ का जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम थोड़ा सा वाटर इरोजन को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यदि हम आगे चले बात करें तो यहाँ पे साथियों कुछ मैकेनिज्म आता है, अभी मैं इसको आगे इस यूनिट में, इसी वीडियो में डिटेल में बात करूंगा आगे चल के, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश होती है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे वाटर क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है यहाँ पे, क्या एक प्रेशर डालता है, जिस कारण यहाँ पे जो सॉइल का जो एक्सपोज है, जो एटमोसफियर में एक्सपोज है, वो क्या होता है, बिल्कुल उसमें कुछ ज़्यादा बॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो उससे वो इरोड होने लगता है। इरोड होने मतलब क्या, वो अपने सरफेस को डिटैच हो जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है, फिर धीरे धीरे वाटर साथ फ्लो होकर कहीं आके डिपॉजिट हो जाता है। तो इस बार हमारा सॉइल इरोजन होता है ड्यू टू वाटर। अगर हम और आगे बात करें साथियों तो यहाँ पे क्या आ गया कि फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस प्रकार से हमारा वाटर इरोजन हो सकता है, कई सारे एक्शन हैं, कई सारे कारक हैं, वो ध्यान सकते हैं। जैसे हमारा है पहला हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर में कौन सा फॉर्म हो सकता है, हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा हमारा सॉइल इरोड हो सकता है। कैसे, द हाइड्रोलिक एक्शन टेक प्लेस व्हेन द वाटर रन ओवर द सॉइल सरफेस कंप्रेसिंग द सॉइल। अब जो वाटर यहाँ पे मान लीजिए कोई यहाँ पे सरफेस है, अब यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, इस पर एक फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा इसके बीच में, या फिर कहें रजिस्टिव फोर्स लगाएगा, जिसमें इसमें कंप्रेशन भी होगा, और यहाँ पे इसके सॉइल में भी कुछ एयर वाइट्स होते हैं, आपको पता होगा जो टेंगल में आप पढ़ चुके होंगे। ये क्या करेगा, इसके कारण एक वाइट्स में क्या होगा, एक एयर होगा, एयर कारण यहाँ पे एग्जट, एक प्रेशर एग्जट होगा, जिसके कारण हमारा सॉइल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे अपने मेन पार्टिकल से, मेन रीजन से, मेन प्लेस से। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन द्वारा हमारे यहाँ पे हो सकता है। एब्रेजन में क्या होगा साथ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉइल पार्टिकल नियर द रनिंग वाटर क्रिएट एब्रेजिव पावर इन द वाटर विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड स्कोर द मोर सॉइल पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है, सॉइल पार्टिकल क्या हो गया, किसी जो रनिंग वाटर है, मान लीजिए यहाँ से निकला, और इसमें जो सॉइल है इसके साथ भी वाटर क्या हो रहा है, मिक्स, सॉइल पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, एक एब्रेजिव फोर्स आ जाएगा, एब्रेजिव मतलब साथ में ही एक एब्रेजिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण क्या करेगा, वो सॉइल पार्टिकल को स्कोर करने की क्षमता आ जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी, कि सॉइल जो नीचे है उसको यहाँ पे स्कोर करेगी। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे
एग्जर्ट हो रहा था कुछ प्रेशर, एयर कार्ड एग्जर्ट हो जा रहा, लेकिन अब क्या वो स्कोर करने शुरू कर देगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एब्रेजर। अब आता है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है साथियों, दिस फंड इंक्लूड द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ लोड रनिंग्स अलॉन्ग द मूविंग वाटर ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल विथ ईच अदर। अब साथियों यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसके खुद के पार्टिकल है वही एक दूसरे में कोलिजन कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ नीचे एक पार्टिकल जो हो रहे हैं वो इरोड हो रहे हैं, वहाँ पे अलग हो रहे हैं, अपने पार्टिकल क्या हो रहे हैं उसके अलग हो जा रहे हैं अपने मेन रीजन से। तो यहाँ पे द ब्रोकन पार्टिकल्स आर मूव अलॉन्ग विद द फ्लो वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स ब्रोक हो चुके हैं वो क्या होते हैं बहने शुरू कर देते हैं, जो विच जनरेट द एब्रेजन इफेक्ट, जैसे मैंने बात किया वो क्या करते हैं एब्रेजन इफेक्ट करते हैं बॉटम ऑफ द बैंक्स, बॉटम एंड बैंक ऑफ द वाटर कोर्स। तो ये साथ ही ध्यान दीजिएगा, इट इफेक्ट द प्रोनाउंस ऑफ द वाटर इरोजन, जिसको हमारा वाटर इरोजन का इफेक्ट आ जाता है। अब अगली बात आती है सॉल्यूशन। ये साथी कुछ फॉर्म्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो दिस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द केमिकल एक्शन बिटवीन द रनिंग वाटर एंड सॉइल ऑन कंट्री रॉक्स। अभी आप क्या है इसमें क्या होता है, ये केमिकल एक्शन कार्ड होता है, इसमें क्या होता है रनिंग वाटर हो रहा है उसमें कुछ केमिकल्स होंगे जो सॉइल को डिजॉल्व, यहाँ पे ध्यान देना है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑब्जर्व इन द एरिया जो है वेयर एग्जिस्टिंग रॉक्स आर सॉइल आर इजीली डिजॉल्व इन द रनिंग वाटर, जहाँ पे उन एरिया में देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो सॉइल है आसानी से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर एक सॉल्यूशन टाइप का मिक्स हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा बन जाता है। यहाँ पे कुछ थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हैं आप, इसको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में, या फिर पूरा टोटल यहाँ पे आपको 10 मार्क्स में भी दे सकता है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, बस आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ ना पाएँ,